राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2024 पेपर बहुत बढ़िया आया है। आपके बच्चे के निकलने के चांसेस कितने हैं वो इस वीडियो में देखिए, पूरी आंसर की मिलाइए और आंसर की के साथ अपने बच्चे के मार्क्स अपडेट देखिए कितने मार्क्स उसके आए हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको स्वतः पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन जो पहले के थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जा करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें। मानसिक योग्यता, गणित और कोडिंग डिकोडिंग ये पोर्शन जो है ये नेक्स्ट जो इस समय वीडियो चल रहा है इसमें कवर होने वाला है 51 से लेकर के 100 तक के, और 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार पुनः चलते हैं नए वीडियो की तरफ। अगर नए हैं चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले भी चैनल पर आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया गया है तो आप ये भी देख लें कि अगर आपको इंग्लिश में सहूलियत महसूस होती है तो इंग्लिश में देख लें और हिंदी में सहूलियत महसूस होती है तो हिंदी में देख लें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आ जाता है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता आ गया है। तो मानसिक योग्यता में पहला क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे, वन अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन से सही नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, सरोवर नगरी नैनीताल को कहा जाता है, योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है, कुंभ नगरी देहरादून को नहीं कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने पूछा सुमेलित नहीं है वाला। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस जिले में अस्कोट वन्य अभयारण्य स्थित है। अस्कोट वन्य अभयारण्य, ये मैंने जीके के जो वीडियो डाले थे उनमें से ये क्वेश्चन भी उसी में से है, ये क्वेश्चन भी इंडिया की जीके से है और ये उत्तराखंड की जीके से है। सारे क्वेश्चन देखो मैच कर रहे हैं। वन्य अस्कोट वन्य अभयारण्य जो स्थित है वो कहाँ है, वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है ना, अस्कोट वन्य जीव विहार, लास्ट की वीडियो में डाला था। अगला आता है, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है। राजा जी उत्तराखंड के देहरादून में, जिम कॉर्बेट नैनीताल में है, नंदा देवी ऑलरेडी यहाँ पे है, गिरी नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये यहाँ नहीं है, ये राजस्थान में है। तो गिरी नेशनल पार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है। जी एक रम्माण का आयोजन किया जाता है जोशीमठ में। कहाँ किया जाता है, जोशीमठ में। तो दोस्तों जोशीमठ किस जिले में आता है, चमोली जिले में आता है। तो चमोली इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और भी दिए हैं लेकिन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखे हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हंसुली कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। पौची, पौजी कान में, पौजी तो हाथ में पहने जाते हैं बट ये तो कान में कह रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। सारी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको हैंड टू हैंड 100% सिक्योरिटी के साथ आपको बतला रहा हूँ, जो कि बिल्कुल करेक्ट और वेरीफाइड होंगे। तो इसके लिए एक लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, और साथ में कम से कम 5 लोगों को आपको शेयर भी करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी देखिए आपकी जीके में से, लास्ट टाइम मैंने जीके डाल रखी थी वो उठा करके देखिए, चैनल पर अगर बाकी जीके देखेंगे तो ये सारी उसमें आ जाएंगे। उत्तराखंड के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, आपको पता ही है उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें, अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो 5 सीटें हैं। वंदना कटारिया किससे संबंधित है, बच्चा बच्चा जानता है वंदना कटारिया, हॉकी में अभी लास्ट टाइम जो है फाइनल हारे थे तो वंदना कटारिया का बहुत योगदान था उसमें। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 59 क्वेश्चन नंबर को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक वीडियो में नहीं 3-4 वीडियो में आ चुका है। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 59 क्वेश्चन का, ठीक है ना। और अगला आता है 60, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। रतौंधी रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी होता है आंखों की कमी, आंखों की कमी जो होती है विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले पेज की तरफ।
60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मात्र 40 क्वेश्चन रहे हैं और जो कि बहुत तेजी के साथ होंगे। ये आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है परंतु 1 विकल्प अलग है, उसको अलग को ढूंढिए। तो पहला आता है कंप्यूटर, टेलीविजन, गीजर और मशीन। देखिए कंप्यूटर बिजली से, टेलीविजन बिजली से, गीजर बिजली से चलता है, लेकिन मशीन जो है, देखिए आप टेलरिंग की मशीन भी हो सकती है, हो सकता है जनरेटर वाली मशीन हो सकती है, तो ये डीजल से भी चल सकती है, हाथ से भी चल सकती है, तो ये इसमें से अलग हो जाएगा, यानी कि ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल तीनों बॉल से संबंधित है, शतरंज जो है ये बॉल से संबंधित नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है दिसंबर, अप्रैल, मार्च, जनवरी, तो इनमें से कौन सा महीना अलग है, ये तो सब महीनों के नाम है, लेकिन देखिए कई महीने 30 जाते हैं, कई महीने 31 जाते हैं, कई महीने 29 जाते हैं, तो इनमें से 30 दिनों का मार्च सितंबर, तैसे अप्रैल जून नवंबर, अप्रैल 30 महीने का है, 30 दिनों का है, बाकी दिसंबर मार्च और जनवरी जो है 31 जाते हैं, तो इसमें अप्रैल जो है आपका अलग आंसर होगा। दही, मक्खन, घी, तेल, अब आप बच्चा बच्चा जान जाएगा, दही, मक्खन, घी, इन सब में दूध की जरूरत होती है, बशर्ते तेल में दूध की जरूरत नहीं होती, इसलिए तेल जो है अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है देहरादून, इंदौर, रांची और रायपुर। देखिए इनमें से बाकी सब जो है राजधानियां हैं, देहरादून राजधानी है, रांची राजधानी है, रायपुर राजधानी है, लेकिन इंदौर राजधानी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसका डिफरेंट आंसर हो जाएगा। अगला आता है घड़ी, समय, घड़ी समय बतलाती है, तो थर्मामीटर क्या बतलाता है भाई, तापमान बतलाएगा, टेम्परेचर बतलाता है, यहां पढ़ लीजिए, यहां नहीं आ रहा तो ना। अगला आता है गाजर की जड़ खाई जाती है, पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है, पपीते का फल वाला भाग खाया जाता है, ठीक है ना, बड़े आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। बिल्ली जो है पंजा मारती है, बिल्ली के पंजे होते हैं, तो खुर किस पे होते हैं, आप भी जानते हैं खुर किस पे होते हैं, खुर होते हैं घोड़े के, किसके होते हैं, घोड़े के, ठीक है ना। अगला आता है सूर्य एक तारा है, तो इनमें से कौन सा उपग्रह है, सूर्य जो है तारा है, तो यहां पर जो आएगा वो उपग्रह होगा, यानी उपग्रह कौन सा है इसमें से देख लीजिए, पता है आपको प्लेनेट कौन कौन से होते हैं और सब प्लेनेट कौन कौन से होते हैं, प्लेनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब तो ग्रह हो गए, तो चंद्रमा उपग्रह हो गया, फिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना, ये सब प्लेनेट हो गया उपग्रह। अगला आता है ऋषिकेश में गंगा बहती है, क्या बहती है, गंगा, तो श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है भाई, श्रीनगर में अलकनंदा बहती है, फिर तो अलकनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या रहेगा, अब आता है कोडिंग, क्या आता है, कोडिंग, कोडिंग वाला पोर्शन आ गया है, कोडिंग को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 100, 121, 144, 169, 196, 225, तो इनमें देखिए ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा भाई यहाँ पे, 16 का स्क्वायर, यानी 16 गुणा 16 होता है 256, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो असेंडिंग था या डिसेंडिंग है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का होता है, 49 7 का होता है, 36 6 का होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, अगला क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 4 जा 16, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर पहुंच गए हैं, 12 13 एक का अंतर आया, 13 से 15 2 का अंतर आया, 15 से 18 3 का आया, 18 से 24 4 का आया, तो अब किसका आएगा, 5 का आएगा, तो इसमें 5 जोड़ दो, 22 में 5 जोड़कर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 74 में देखिए 12 से 17 तक 5, ठीक है ना, 17 से 27 10, 27 से 42 15, देखिए 5 की टेबल बन रही है, 42 से 62 तक 20, अब क्या आ जाएगा अगला, 25, इसमें 25 जोड़ दीजिए और जो आंसर आता है वो आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 5 और 2 7 और 6 और 2 8, 87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 75 15 25 5 15, क्या 75 में 15 से भागा देंगे 5 बार जा रहा है, 5 से 25 में भागा दे रहे हैं 5 बार जा रहा है, किससे 15 में भागा दें, यानी कि 15 में 5 से भागा दे दो, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आएगा 3,
तब इसका इसमें भागा देने पर 5 आएगा ना, तो 3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए, बिल्कुल सही सिस्टमैटिक लगाना है। शब्दकोश डिक्शनरी में आपने देखा होगा किस प्रकार से होते हैं, पहले अल्फाबेटिकली लगे होते हैं, ए बी सी डी क्रम से लगे होते हैं। तो देखिए इन सब के आगे पी है, तो अभी तो ये बराबर चल रहे हैं, फिर आता है आर को देखते हैं, आर आर सब में आर है, बराबर चलेंगे। ई ई ए ई, देखिए यहाँ ए है, इनमें ई है, तो ए अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो ये तो पहले आ जाएगा, पहले सबसे पहले तो दो नंबर वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा दो, और उसके बाद क्या, अब ये छट गया, तो इन तीनों को देखते हैं, ई ई ई तक सब एक साथ आए थे, इसके बाद ए सी और सी, इसमें ए आ गया, तो ये नंबर दो पर आ गया, यानी कि एक यहां पर लिख दिया पहला दूसरा। अब ये दो बचे हैं, पी आर ई सी पी आर ई सी, यहां आई है यहां ई है, तो देख लेते हैं अल्फाबेट में कौन आता है पहले, ई पहले आता है, तो ये वाला पहले आ जाएगा 4 और लास्ट में आ जाएगा 3। तो इस क्रम से देखो तो कहीं है 2 1 4 3, ये देखो हमारे साथ मिल रहा है 2 1 4 3, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में भाज्य संख्या है, पहले और बाद में दोनों तरफ है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 8 पे पहले क्लिक करिए, इसके आगे भाज्य है नहीं है भैया, तो इसको तो कैंसिल करिए। अब आते हैं इस 8 पे, इस 8 के पहले इसमें 3 का भागा जाता है, बिल्कुल है, बाद वाले में 2 का भागा जाता है, ये है, तो यहाँ पे एक सेट बन गया ये, ठीक है ना। अब ये वाला 8 है, इसको देखते हैं, 8 के पहले वाले 4 में भागा जाता है, 6 में भी भागा जाता है, दूसरा सेट यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। अब 8 यहाँ पे आता है, इसके आगे वाले में भागा जाता है, जी हाँ, पीछे वाले में जाता है, जी हाँ, इनमें दोनों में जाता है, एक सेट ये बन गया, ठीक है ना। अब इस 8 को देखते हैं, 8 के पहले वाले में भागा जाता है, इसके पीछे वाले में नहीं जाता है, फिर 8 के पहले क्या था, ये 5, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है ये वाला 8, इस वाले 8 के पहले वाले में 3 का भागा जाता है, पीछे वाले में 2 का भागा जाता है, तो इसमें जाता है, तो कितने सेट बने भैया, 1 2 3 4, कहीं है इसमें 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिएगा इनको, देखिए अभी तो ये छोटा एग्जाम है, इससे बड़े एग्जामों में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, चाहे आपने पेपर दिया हो चाहे न दिया हो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी ई एन को 514, के ई एन को 614 लिखा जाता है, तो ई एन के कैसे लिखे जाते हैं कोडिंग में, देखो टी को 5, ई को 1 और एन को 4, ठीक है ना, के को 6, ई और एन पहले आ चुके हैं, देख लो ई को क्या लिखा जाता था, ई को देखो 1, तो सबसे पहले हमारे इसके लिए 1, एन को क्या लिखा जाता है, एन को लिखा जाता है 4, एन के जगह 4, के यहां देखा था हमने 6, 146 है कहीं आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी 146। कोडिंग बड़ी आसान होती है अगर बच्चे को समझ में आने लगी तो, ठीक है ना। अगला आता है, किसी सांकेतिक भाषा में टीम को मीट लिखा जाता है, देखो पहला वाला लास्ट में पहुंचा दिया, जो दूसरा वाला सेकंड लास्ट पहुंचा दिया, तीसरा वाला थर्ड वन और लास्ट वाला पहले कर दिया है, उल्टा कर दिया है यानी कि, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पीछे आर है तो आर पहले आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा और फिर एच आ जाएगा, है कहीं आर ए ई एच, आर ए ई एच ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते अगले में, यदि 1 को ए लिखा जाता है, 2 को बी लिखा जाता है, 3 को सी लिखा जाता है, 4 को डी लिखा जाता है, 5 को ई लिखा जाता है, तो 4 2 1 3 5 को क्या लिखा जाता है, 4 को क्या लिखा जाता है भाई, डी, लिखते जाइए इनके आगे, 2 को क्या लिखा जाता है, बी, लिखते जाइए, 1 को ए और लिखिए, 3 को सी, 5 को ई, देख लो कोई मैच कर रहा है, डी बी ए सी ई, डी बी ए नहीं, डी डी बी ए सी ई, डी बी ए सी, ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, अच्छा पेज पलटना है। अब आता है आपका 81 नंबर पे हम पहुंच गए हैं, यहां से थोड़ा सा इसको पहले देख लीजिए कि क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में बाई और 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उत्तर आकृतियों में से उत्तर उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए पैटर्न को जारी रखेगी, यानी कि इसका अगला क्रम क्या आएगा, इसका मतलब हुआ कि इसका अगला क्रम क्या आएगा, 81 नंबर क्वेश्चन का अगला क्रम क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 ऑपरेशन दिए गए हैं, अगले वाले में देखिए 5 में से 1 घट करके 4 हो गए हैं, अब अगले वाले में 4 में से भी 1 घट करके
पहले बीच वाला निकला, फिर क्रॉस निकल गया यहाँ देखिए। अब इसके बाद कौन सा निकलेगा, इसके बाद इसका नंबर आता है प्लस वाला निकल जाएगा। तो प्लस वाला निकल जाएगा तो क्या बचेगा, डिवाइड और माइनस, बॉक्स डिवाइड और माइनस है कहीं, बॉक्स डिवाइड और माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से देखा जाता है इन क्वेश्चन को। ये देखिए दो आदमी खड़े कर रखे हैं, इसके बाद ये ढाई हो गए हैं, एक दो, और इसका देखो एक बीच का डंडा नहीं है, ढाई हो गए हैं। यहाँ चार आदमी खड़े हैं तो यहाँ साढ़े चार हो जाएंगे, आधा और हो जाएगा। कहीं पर है ऐसा ऑप्शन, देखिए तो ये एक दो तीन चार पूरे और इसमें आधा, एक दो तीन चार, इसमें एक डंडा बीच में, ये दिखा देखो, लेकिन यहाँ इस प्रकार से नहीं हुआ है, तो क्रम देखना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीन लाइन और उनके एंड पर डॉट, यहाँ आधा और बढ़ गया है, साढ़े तीन हो गए, अभी यहाँ चार लाइन, यहाँ साढ़े चार हो जाएंगे, फिर साढ़े चार में इसी प्रकार का पैटर्न आएगा, तो चार पूरे हों एक डॉट हो, देखते हैं कहाँ पर है, चार पूरे हों और एक डॉट हो, एक दो तीन चार पूरे और एक डॉट, ये से मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, समस्या आकृति है, ये इमोजी टाइप बना रखा है, इमोजी का एक पोर्शन बढ़ गया है, यहाँ दो बढ़ गए हैं, यहाँ कुछ और बढ़ जाएगा, तीन हो जाएंगे, तो तीन कहाँ है, एक दो तीन इसमें भी है, एक दो तीन इसमें भी है, ठीक है ना, है बात समझ में, नहीं इसमें चार है, सब में इसमें है तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, लेकिन यहाँ देखो यहाँ बीच में काला डॉट है, यहाँ काला डॉट नहीं है, इसका मतलब ये सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला आता है 85, समस्या आकृति ये है, दो लाइन यहाँ बढ़ करके तीन हो गई, ठीक है ना, ये चार लाइन है, अब यहाँ बढ़ करके कितनी हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पांच हो जानी चाहिए, तो पांच कहाँ है, यहाँ देखो तो एक एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी में देखो किसी में नहीं होंगी, ये ध्यान रहे कि इस प्रकार की जो एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट होते हैं इनको बड़े ध्यानपूर्वक देखना होता है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों की चार आकृतियां दी गई हैं, इनमें से तीन किसी न किसी एक रूप से समान है किंतु एक भिन्न है, जो भिन्न है अलग है उसको ढूंढिए। अब अलग बाकी एक दो तीन चार दे रखे, तीन तो एक समान होंगी, तीन मिलती जुलती होंगी, लेकिन चौथी अलग है। अब कैसे पता लगा, देखो एक दो तीन चार पांच छह, छह वाले के अंदर एक दो तीन चार पांच साइड वाला, छह साइड वाले के अंदर पांच साइड, यानी कि अंदर वाले में एक साइड कम हो जा रही है, एक दो तीन, बाहर तीन है तो अंदर के कितनी होनी चाहिए थी, दो, लेकिन ये चार हो रही है, उल्टा हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच के अंदर चार बिल्कुल ठीक है, चार के अंदर तीन ठीक है, देखो ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, लेकिन ये वाला उल्टा चल रहा है, तो इसी को हम आंसर में क्लिक कर देंगे। अगला आता है, इनमें से अलग कौन है, पहले वाले में देखो दो कलर, दूसरे वाले में दो कलर, तीसरे वाले में दो कलर, चौथे वाले में तीन कलर, भैया ये तो मिलती जुलती हो जाएंगी घुमा फिरा करके, लेकिन ये वाली तो नहीं हो पाएगी, तो 87 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 88 पर चलते हैं, 88 देखिए, ये फिगर है, ये एरो का निशान, फिगर एरो फिगर एरो फिगर एरो, अब देखते हैं हुआ क्या है। पहली बात, ये तो लाइनों से मिल करके बनी है तीनों, ठीक है ना। दूसरा, इन तीनों के देखो बाहर से एरो दिख रहा है लेकिन बीच में एरो नहीं है, चित्र को काट के नहीं जा रहा है, यहाँ भी काट के नहीं जा रहा है, यहाँ भी काट के नहीं जा रहा है, लेकिन इस चित्र को काट करके इसके बीच में से एरो पूरा निकल रहा है, तो इसका मतलब यही इसमें से डिफरेंट है, ठीक है ना, भिन्न आकृति यही होगी। 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 का देखते हैं, 89 ये बन रहा है एल टाइप का बन रहा है, ये भी एल बन रहा है, दोनों डंडे, ये एल बन रहा है, ये एल बन रहा है, दो डंडे, ये ये इसमें तीन अलग अलग डंडों पे है ना, ये देखिए इनमें जब जो भी डंडा ऐसा हो रहा है, ये इस पे यो करके इसके कट पड़ी हुई है, देखो ये इसमें देखो एक तरफ पड़ी है एक तरफ नहीं पड़ी है, इसके भी एक तरफ पड़ी है एक तरफ नहीं पड़ी है, इसके दूसरी लाइन पे इस पे एक तरफ पड़ी है एक तरफ नहीं पड़ी है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लग रहा है, ठीक है ना। ध्यान देते रहे, बड़े आसान होते हैं लेकिन समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है और ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें से अलग क्या होगा। देखो ये त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, तीन भुजाएं तीन भुजाएं तीन भुजाएं, लेकिन इसमें कितनी भुजाएं, चार भुजाएं, तो ये ऑलरेडी अलग हो जाएगा। 90 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, अब बचे हैं मात्र 10 क्वेश्चन, बहुत कम समय है, पेपर भी मिलाना है आपको। अगला आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से बाईं ओर समस्या आकृतियां और दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं, समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृति में से चुनिए, ठीक हो गया।
ये जो समस्या आकृति है इसके जैसी आकृति यहाँ कौन सी है उसको चुनना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एक एरो इधर ये डॉट और इधर ये खुला एरो, ठीक है ना, इस पे ये खुला एरो। तो इधर इसी प्रकार का देखते हैं, इस पे भी दो ये, लेकिन इसका डॉट नीचे था, इसका ऊपर को हो गया, उल्टा हो गया, गलत, इसका इसका एरो बदल गया। इस वाले भी देखते हैं, ये ठीक है, ये हो जाए ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये इसके साथ मैच कर रही है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 92 पर चलते समस्या आकृति, देखो ऊपर गोला बॉक्स त्रिभुज, गोला बॉक्स नहीं, गोला बॉक्स नहीं, गोला बॉक्स नहीं, गोला बॉक्स त्रिभुज, गोला बॉक्स त्रिभुज, गोला बॉक्स त्रिभुज मैच कर रहा है ना, देखो गोला बॉक्स त्रिभुज, गोला बॉक्स त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बीच में त्रिभुज, ऊपर की तरफ खाली गोला, नीचे वाला नीचे की तरफ भरा हुआ गोला, यानी डार्क गोला, ऊपर की तरफ डार्क कर दिया है, नहीं भैया नहीं चलेगा, ऊपर खाली नीचे डार्क, बीच में लेकिन इसको कलर कर दिया है, ये भी नहीं चलेगा। अगला देखते हैं, ऊपर खाली नीचे गोला और बीच में ट्राइंगल, बिल्कुल ये वाला देखो, ऊपर नीचे दोनों, ये वाला सही आंसर हो जाएगा इसका, देखो बिल्कुल समस्या की आकृति के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। 94 समस्या आकृति ये है, इधर को फिर उधर को फिर इधर को, ये दोनों एक ही तरफ को, ठीक है ना, आगे पीछे आगे आगे, नहीं ये पीछे ये उल्टा हो गया है, ये तीनों एक ही तरफ को, ये तीनों उस तरफ को, आगे पीछे आगे, ये दोनों एक ही तरफ को, ये देखिए ये बिल्कुल इस आकृति के साथ मैच कर रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, समस्या आकृति है, कुछ जेड प्रकार का बना है, यहाँ बॉक्स है और यहाँ गोला है, ठीक है ना, यहाँ तीर का निशान है, यहाँ खुला हुआ है, ध्यान रखिएगा, तीर का निशान ऊपर, खुला हुआ नीचे, तीर का निशान ऊपर, बॉक्स गोला बॉक्स खुला हुआ ऊपर, ये तो पहले में ही मिल गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 95 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं, बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको भी हम जल्द निपटा देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी इसको जो है करने में, तो आपसे विनम्र अनुग्रह रहेगा कि लाइक और शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोग भी इसको देख करके अपना पेपर मिला सके। समस्या आकृतियाँ पहले पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से समस्या आकृतियाँ दी गई हैं जिनका एक भाग अपूर्ण है, यानी कि ये वाला खाली भाग जो है इसको पूरा करना है, उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में से उसको चुनिए जो समस्या आकृति को पूरा करता है, जो इसको पूरा करेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं, इसका यो बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बाहर को, ये तीर के निशान पर, ये बाहर बाहर, ठीक है ना, और इधर वाले भी बाहर और बाहर, सब जगह बाहर को, अंदर को आ रहा है नहीं, बाहर 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 और बाहर को, बिल्कुल इसमें सब जगह बाहर को, देखो यहाँ अंदर को आ गया, यहाँ यहाँ अंदर को आ गया, तो ये बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होगा, उसका कारण सही था आपको बतलाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसा ये है इसके चार हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, जैसा ये है वैसा ही और आएगा, इसी प्रकार का यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार का यहाँ पर आया वैसे इसी प्रकार का यहाँ पर भी आएगा, तो मुझे लग रहा है कि वैसे देख करके पता लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, बिल्कुल ये देखिए इस प्रकार से आएगा, ये एक लाइन ये आएगी, ठीक है ना, ऐसे करके एक ये आएगा ये, और ऐसे आएगी इसको, तो ये तो वाइट होगी बीच में और इधर तक कलर्ड होगा, देख लो बाहर कलर्ड और बीच में दो लाइन के साथ वाइट, बाहर कलर्ड बीच में दो लाइन के साथ वाइट, ये देखिए बाहर कलर्ड बीच में दो लाइन के, एक लाइन दो लाइन, दो लाइन के साथ वाइट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दो क्वेश्चन और रह गए बस, और इसी के साथ हमारा पेपर जो है फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 समस्या आकृति यह है, इसको पूरा करना है, देखो इसको पूरा करते हैं, कैसे करते हैं पूरा इसको, इस चित्र को पहले पूरा करने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इस बॉक्स को यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, यह आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक हो गया ना, एक ये जा रहा है तो ये ऐसे आएगा, ये वाला इधर को आ रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। अब देखो और क्या आ सकता है, बीच में ये इससे मिल जाएगा और ये वाला इससे मिल जाएगा, देखो तो भैया इस आकृति को मिलाओ तो कहाँ मिल रही है, इस आकृति को मिलाओ या इस जगह पर खाली आना है, ये देखो ये जगह, ये वाला बॉक्स खाली है कहीं, ये वाला बॉक्स खाली यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला समस्या आकृतियाँ ये दे रखी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, फिर ये थोड़ा सा ये मिलेगा, थोड़ा सा ये मिलेगा, थोड़ा डंडा यहाँ जाएगा, थोड़ा डंडा यहाँ जाएगा, और ये बीच में गोला होगा, यानी गोले के साथ साथ इधर को डंडा और इधर को डंडा, ऐसा है कहीं पर,
ये और इधर आना है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, किसके, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2024 का। तो 2024 का जो आंसर शीट है वो आपके पास आ चुकी है इस समय, इसको मिला करके आप अपना देखिए। पेपर बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है, तो लगभग इसके लिए जो पासिंग मार्क्स होंगे वो लगभग होंगे 70 से 80 के बीच। 70 से 80 मार्क्स के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन है वो होने के चांसेस प्रबल हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, जब तक का अगली वीडियो अपलोड होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी ज्ञानप्रद वीडियो आती रहती हैं जो आपके लिए हमेशा आगे चल करके फायदेमंद होंगी। तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों सारा वीडियो जो है, सारा पेपर जो है वीडियो में कवर हो चुका है, और अब तक आपने देख लिया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आप 70-80 से नंबर के बीच में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, और उसे कम पे 50-50 चांसेस हैं। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, धन्यवाद।